Assalamu alaikum, dear students. I am Sumaiya Mohammed from Boys High Secondary School in Soo. Dear students, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का, दैट इज पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सब्जेक्ट हिस्ट्री का. पैस्टोरलिस्ट्स. पैस्टोरलिस्ट इज अ पर्सन हु हर्ड्स लाइव स्टॉक, ऑफन एज नोमेडिक वॉन्डरर विदाउट अ सेट फॉर्म एरिया. And pastoralism is raising and herding of animals. तो इस चैप्टर में हम इन्हीं pastoralists के बारे में पढ़ने वाले हैं. Nomads वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं in search of their livelihood. And in many parts of India, we can see nomadic pastoralists on the move. उनके साथ उन goats होते हैं, sheep होते हैं, camels होते हैं, cattle होता है. तो उन्हें कहते हैं हम nomadic people, nomadic pastoralists. ये pastoralists पहाड़ी इलाकों और पहाड़ पर रहते हैं. Himalayan mountains पर winter में pastoralists रहते हैं. नीचे वाले हिस्से में यानी लो हिल्स में अपने जानवरों के साथ, फिर विंटर खत्म होने के बाद ये वापस अपर हिल्स में रहने के लिए जाते हैं. हमारे कश्मीर में गुजर बकरवाल्स हैं, उनके पास भी उनका अपना लाइव स्टॉक होता है, लाइक गोट्स होते हैं, शीप होते हैं, हॉर्सेस होते हैं. ये भी माइग्रेट करते हैं, सीजनल मूवमेंट्स करते हैं लाइक अदर पैस्टोरलिस्ट्स. सीजनल मूवमेंट्स यानी विंटर में नीचे आ जाना और विंटर्स में, समर्स में ऊपर हिल्स पे चले जाना. जब सितंबर का महीना खत्म होता है तब ये गुजर बकरवाल्स जो है ये अपनी मूवमेंट फिर से स्टार्ट करते हैं, अपनी जर्नी, और पहुंच जाते हैं लो हिल्स में. इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के गडी शेफर्ड्स, उनका भी यही सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट है. दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ स्वालिक रेंज, वहीं पे ग्रेज करते हैं अपने कैटल्स को, अपने लाइव स्टॉक को. और अप्रैल में ये नॉर्थ की टाइप जाते हैं, नॉर्थ की तरह, और वहीं पे अपना समर बिताते हैं लाहौल और स्पीति में. यही लाहौल और स्पीति में ये अपनी समर क्रॉप्स हार्वेस्ट करते हैं और विंटर क्रॉप्स सो करते हैं, और फिर नेक्स्ट अप्रैल में फिर से ये वापस आते हैं. मार्च अप्रैल स्टार्ट करते हैं अपनी मूवमेंट अगेन विद देयर गोट्स एंड शीप्स टू द समर मीडोज. इसके अलावा गरेवाल, कुमोन, गुजर कैटल हर्ड्स, इन्हें भी सीजनल मूवमेंट्स के थ्रू अपनी लाइफ गुजारनी पड़ती है. ये ड्राई फॉरेस्ट्स में जाते हैं विंटर में, बाबरी ड्राई फॉरेस्ट्स में, और विंटर में ये बुगलियाल्स हाई मीडोज पे जाते हैं समर में. किस जगह पास्चर अवेलेबल होगा किस सीजन में, इसके अकॉर्डिंग ये गुजर बकरवाल्स और ये बाकी के पास्टोरल कम्युनिटीज ये अपनी सीजनल मूवमेंट शुरू करते हैं. जब एक पास्चर एरिया इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहता है तब ये भी पास्टोरलिस्ट्स अपने जानवरों के साथ दूसरे एरिया में शिफ्ट होते हैं. ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, पेस्टोरलिस्ट जो है वो सिर्फ माउंटेन्स पर ही नहीं रहते हैं बल्कि हम उन्हें देखते हैं प्लेटूज पर भी, प्लेन्स पर भी, और डेजर्ट एरियाज में भी. फॉर एग्जाम्पल द डांगरा शेफर्ड्स, ये महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेटू में रहते हैं ज्यूरिंग मानसून सीजन. इसी तरह से राजस्थान के डेजर्ट्स में रायकाज रहते हैं, और एक ग्रुप पेस्टोरलिस्ट का बंजार्स, ये भी ग्रेज करते हैं अपने कैटल को. इन्हें हम देखते हैं विलेज में, उत्तर प्रदेश के विलेज में, पंजाब के विलेज में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में. राजस्थान के जो रायकाज है इनके एक ग्रुप को हम मरु रायकाज कहते हैं. वो ज्यादातर हर्ड करते हैं कैमल्स को, और अदर ग्रुप वो रियर करते हैं शीप्स एंड गोट्स को. ये पेस्टोरलिस्ट्स बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं लाइक कल्टीवेशन भी करते हैं, ये ट्रेड भी करते हैं, एंड हर्डिंग टू मेक देयर लिविंग. नाउ कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, हम देखेंगे आपकी कॉलोनियल रूल से पेस्टोरल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा. अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट्स चेंज्ड ड्रामेटिकली.
कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए लैंड रेवेन्यू एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता था, तो कॉलोनियलिस्ट्स ने सभी ग्रेजिंग लैंड्स को कन्वर्ट किया इनटू कल्टिवेबल फॉर्म, और वहाँ पे कल्टिवेट करते थे जूट को, कॉटन को, वीट को एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दैट वर रिक्वायर्ड टू देयर इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, जो इन्हें इंग्लैंड में अपनी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स जरूरत थी जिनकी, वही ये कल्टिवेट करते थे। इन्होंने पास्टर लैंड्स को कन्वर्ट किया, ग्रेजिंग लैंड्स को कन्वर्ट किया इनटू कल्टिवेबल फॉर्म्स। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट्स लाए गए जिससे बहुत बुरा असर पड़ा इन पास्टोरलिस्ट्स पे। अब वो फॉरेस्ट्स को कन्वर्ट किया गया इंटू, जो फॉरेस्ट्स थे वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया कमर्शियली वायबल टिम्बर को, लाइक देवदार, सैल, और जो ये ट्रीज थी इनकी प्लांटेशन ज़्यादा की, बाकी स्पेशीज को कट कर दिया गया। और जिस फॉरेस्ट में ज़्यादातर ये ट्रीज थे देवदार या सैल, इनको डिक्लेयर किया गया रिजर्व फॉरेस्ट्स। अब वहाँ पे पास्टोरलिस्ट्स की मूवमेंट्स को जो है उसको रोक दिया गया, उन्हें बैन किया गया इन रिजर्व फॉरेस्ट्स में जाने से, और इसी तरह से बाकी फॉरेस्ट्स को रखा गया एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, उनमें भी उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। कुछ कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स पास्टोरलिस्ट्स को मिल गए मगर उनकी मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट की गई थी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमेडिक पीपल। कॉलोनियल गवर्नमेंट रूल करना चाहती थी एक सेटल्ड पॉपुलेशन पे, लेकिन जो ये पास्टोरलिस्ट्स थे इनकी सीजनल मूवमेंट्स की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो इन्होंने बहुत सारे एक्ट्स लाए। 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पास किया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और इस एक्ट से कम्युनिटीज जो थी पास्टोरलिस्ट्स की, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, पास्टोरलिस्ट्स, इनको क्लासिफाई किया गया एज क्रिमिनल ट्राइब्स। They were stated to be criminal by nature and birth. और इन कम्युनिटीज को मजबूर किया गया सिर्फ एक जगह पे सेटल होने के लिए। अब ये सीजनल मूवमेंट्स नहीं कर सकते थे विदाउट परमिशन। और विलेज के जो लोग थे, वहाँ की जो पुलिस थी, उनको कहा गया कि इन पे कंटिन्यूस वॉच रखो इन क्रिमिनल ट्राइब्स को, जिनमें आते हैं क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स और पास्टोरलिस्ट्स। इसके अलावा कॉलोनियल गवर्नमेंट रेवेन्यू हासिल करना चाहती थी इन पास्टोरलिस्ट से, सो इन्होंने टैक्स इम्पोज किया कैनल वाटर पे, लैंड पे, सॉल्ट पे और ट्रेडिंग गुड्स पे, इवन ऑन देयर एनिमल्स। जब ये पास्टोरलिस्ट अपने ग्रेजिंग एरिया में आते थे तो इन्हें एक पास दिखाना होता था, तभी उनको और टैक्स पे करना पड़ता था, तभी इनको परमिशन मिलती थी अपनी कैटल्स को ग्रेज करने की उस पास्टर लैंड में। तो ये हमने देखा कि क्या इफेक्ट पड़ा कॉलोनियलिस्ट से पास्टोरलिज्म पे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।